नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 नवंबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बिहारी न्यूज की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। आज है दिवाली, जाने शुभ मुहूर्त। आधार के इस फीचर को इस्तेमाल कर बैंक के पैसे को रखे सेफ। नए शिक्षकों को 2 से 3 दिनों में आवंटित होगा स्कूल। नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों का दबदबा। लीग चरण के आखिरी मैच में दीपावली के जश्न में सराबोर होने उतरेगी टीम इंडिया। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है दिवाली, जाने शुभ मुहूर्त। आज यानी कि 12 नवंबर को पूरे देश भर में दिवाली मनाई जा रही है। आज के दिन लोग माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। मालूम हो कि दिवाली पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है। हर साल कार्तिक माह अमावस्या तिथि को दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। सनातन धर्म में दिवाली पर्व को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर हम दिवाली के शुभ मुहूर्त की बात करें तो साल 2023 में कार्तिक माह की अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर को दोपहर 2:43 पर होगा और 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर समाप्त होगा। दिवाली के दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी गणेश के पूजन का बड़ा महत्व है। बता दें कि आज के दिन शाम 5:38 से लेकर 7:35 तक लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसके साथ ही आज रात 11:35 से 13 नवंबर को रात 12:32 तक लक्ष्मी पूजा का निषिद्ध कला मुहूर्त होगा। मालूम हो कि जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने उनके स्वागत में घी के दीपक जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया था। उसी दिन से दीपावली मनाई जाती है। इसके अलावा भी कई कहानियां प्रचलित है। ECL में 244 पदों पर निकली भर्ती। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि ECL के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 244 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह ECL की आधिकारिक वेबसाइट easternkol.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को 7वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और साथ ही नोटिफिकेशन में उल्लिखित कुछ फिजिकल मेजरमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड योग्यता भी होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख ले। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मनोज बाजपेयी के बारे में। मनोज बाजपेयी एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं और उन्होंने तेलुगु और तमिल भाषा की फिल्में भी की है। व्यापक रूप से हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले वह 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 एशिया प्रशांत स्क्रीन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। 2019 में कला में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के 4th सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मनोज बाजपेयी ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत द्रोहकाल में 1 मिनट की भूमिका और शेखर कपूर की बैंडेड क्वीन में एक डाकू की छोटी भूमिका के साथ की। मनोज बाजपेयी ने फिल्म सत्या में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। मनोज बाजपेयी ने पिंजर के लिए विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और अलीगढ़ के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना 3rd फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता और 2016 में एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता फिल्म भोसले में उनके अभिनय के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। उन्होंने द फैमिली मैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर OTT पुरस्कार भी जीता। दिवाली पर डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों के अवकाश रद्द, या है इमरजेंसी नंबर। आज दिवाली है, ऐसे में आज डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों के अवकाश को रद्द कर दिया गया है ताकि किसी चिकित्सकीय आपात से इनकी मदद से निपटा जा सके। ऐसे में अब विशेष परिस्थिति में सिविल सर्जन की स्वीकृति के बाद ही डॉक्टर या चिकित्सा कर्मी अवकाश पर जा सकेंगे। वहीं सबके अलावा अस्पतालों को जलने, संक्रमण व मौसमी रोगों समेत सभी दवाओं का पर्याप्त भंडारण करने का भी निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज दिवाली के मौके पर बिहार की राजधानी पटना के सभी अस्पताल 24 घंटे अलर्ट मोड में रहेंगे। हालांकि रविवार होने के कारण OPD बंद रहेगी, लेकिन इमरजेंसी में अतिरिक्त डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसके तहत सिविल सर्जन का इमरजेंसी नंबर 9470000
3600 है, तो वही पीएमसीएच अधीक्षक का 9470003549, न्यू गार्डनर रोड अस्पताल निदेशक का 9470003587, राजबंसी नगर अस्पताल निदेशक का 9470003586, राजेंद्र नगर अस्पताल निदेशक का 4700003595, गर्दनीबाग अस्पताल प्रभारी का 9470003584, IGIMS का 0612228722525 और 0612228715 और IGIC का 0612230845 और 0612237140 इमरजेंसी नंबर है। आधार के इस फीचर को इस्तेमाल कर बैंक के पैसे को रखे सेफ। आधार कार्ड आज के दौर में हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसके बिना हमारे कई सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं। ऐसे में सरकार की यही कोशिश होती है कि आधार को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए। इसी के तहत UIDAI की ओर से आधार लॉक नाम का एक खास फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपने बायोमेट्रिक को भी ब्लॉक कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड की सुरक्षा को और भी बढ़ा सकते हैं। इससे आधार से जुड़े आपके बैंक अकाउंट की भी जानकारी दूसरों लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगी। बता दें कि अगर आप भी अपने आधार को लॉक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप UIDAI की वेबसाइट पर जाएं, फिर माय आधार सेक्शन में जाकर आधार सर्विसेज पर क्लिक करें। इसके बाद लॉक और अनलॉक बायोमेट्रिक पर क्लिक करें, फिर आधार नंबर और कैप्चा भर OTP जनरेट पर क्लिक करें। इसके बाद OTP डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें, फिर इनेबल लॉकिंग फीचर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका आधार लॉक हो जाएगा। इसी तरह आप अपने आधार को अनलॉक भी कर सकते हैं। दिवाली में हरित पटाखे जलाते समय बरते सावधानी। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा IPRD पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि दिवाली में हरित पटाखे जलाने के समय क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, जिसके तहत अगर बच्चे पटाखे जला रहे हैं तो अभिभावक उनके साथ रहे। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बालू, मिट्टी तथा बाल्टी में पानी अवश्य रखे। दिया मोमबत्ती को ऐसे जगहों पर न रखे जहां से गिरकर आग लगने की संभावना हो और आग लगने की स्थिति में रुको, लेटो और लुढ़को की प्रक्रिया करे। वहीं इस दौरान जो काम नहीं करना है उसके तहत हरित पटाखे जलाते समय ढीले या सिंथेटिक कपड़े न पहने, पुआल, सूखी घास एवं लकड़ियों के नजदीक दीपक मोमबत्ती न जलाएं, घर के अंदर आतिशबाजी न करें, हरित पटाखे हाथ में रखकर न जलाएं, अधजले या न जल सके हरित पटाखों को दोबारा जलाने का प्रयास न करें और हवा में उड़ने वाले हरित पटाखे को जलाने से परहेज करें। आपात स्थिति में बिहार अग्निशमन सेवा नंबर 0612222220 या 8873402792, कंट्रोल रूम नंबर 0612222213 या 0612222214, अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर 101, एम्बुलेंस नंबर 102 और 1122 पर कॉल करें। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी करेगी VV व बोर्ड के प्रमाण पत्रों की जांच। बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित राज्य के बाहर चयनित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन वहां के विश्वविद्यालयों और बोर्ड से कराने की जिम्मेदारी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी को दे दी गई है। बता दें कि 31 दिसंबर 2023 तक सभी नव चयनित शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। इसमें खास बात यह होगी कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन कराया जाएगा। इस बारे में मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य के अंदर विश्वविद्यालयों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से कराए जाएंगे। बता दें कि बिहार के सभी बोर्ड के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से कराई जाएगी। CBSE और दूसरे केंद्रीय बोर्ड की तरफ से दस्तावेजों के सत्यापन के लिए लॉगिन ID और पासवर्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी तरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लिए लॉगिन एवं पासवर्ड जनरेट कर संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को मुहैया कराएंगे। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, देश के 22 प्रदूषित शहरों में 10 बिहार के। देश में बढ़ते ठंड के साथ AQI के लेवल में भी बढ़ोतरी होते जा रही है। बता दें कि देश के 22 शहरों का AQI का लेवल 300 से अधिक रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन इन 22 शहरों में से बिहार के 10 शहर शामिल हैं। बता दें कि देश में टॉप पर 383 AQI के साथ पंजाब का भटिंडा है, तो वहीं दूसरे स्थान पर 377 AQI के साथ पूर्णिया और तीसरे स्थान पर 366 AQI के साथ पटना रहा। मालूम के सीजन में पहली बार पटना की हवा दिल्ली से अधिक प्रदूषित हुई है। एक तरफ जहां दिल्ली का AQI लेवल 200
169 रहा, तो वहीं दूसरी ओर पटना के राजा बाजार, गांधी मैदान और इको पार्क इलाके का AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया। बता दें कि देश के 22 शहरों में बिहार के जिस 10 शहर का नाम है उनमें पूर्णिया जहां का AQI लेवल 377 है, तो वहीं पटना का 366, छपरा का 366, कटिहार का 341, मोतिहारी का 334, आरा का 317, भागलपुर का 316, समस्तीपुर का 314, बेगूसराय का 303 और मुजफ्फरपुर का 302 है। छठ के मौके पर दिल्ली से मोतिहारी के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन। छठ पूजा के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत नई दिल्ली से मोतिहारी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और साथ ही इसके अलावा 10 और अन्य ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, जिसमें दिल्ली से बापूधाम, उधना से मुजफ्फरपुर, पुणे से दानापुर एवं कोटा एवं उदयपुर सिटी से पटना के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बता दें कि जिन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाने वाला है उनमें गाड़ी संख्या 02351 और 02352, पटना आनंद विहार सुपरफास्ट स्पेशल क्लोन संपूर्ण क्रांति, गाड़ी संख्या 09817 और 09818, कोटा दानापुर कोटा फेस्टिवल स्पेशल, गाड़ी संख्या 01661 और 01662, रानी कमलापति दानापुर रानी कमलापति फेस्टिवल स्पेशल, गाड़ी संख्या 04018 और 04017, नई दिल्ली बापूधाम मोतिहारी नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल, गाड़ी संख्या 04027 और 04028, आनंद विहार बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल, गाड़ी संख्या 09013 और 09014, उधना मुजफ्फरपुर उधना स्पेशल, गाड़ी संख्या 01417, 01418, 01419 और 01420, पुणे दानापुर पुणे स्पेशल, गाड़ी संख्या 01421 और 01422, पुणे दानापुर पुणे अनारक्षित स्पेशल और गाड़ी संख्या 09625 और 09626, उदयपुर सिटी पटना उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन शामिल है। नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों का दबदबा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। बता दें कि इस चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों के द्वारा अपने नाम 6 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 11 पदक अपने नाम किए गए हैं। मालूम हो इस बात की जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन संकरण के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को वापस आने पर सम्मानित करने के लिए आर्थिक पुरस्कार भी दिया जाएगा और ये सभी खिलाड़ी बेहतर प्रशिक्षण के लिए हमारे उत्कृष्टता केंद्र पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल गुवाहाटी में हुए 2022 के चैंपियनशिप में हमने 1 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक जीत सहित कुल 9 पदक जीता था, लेकिन इस साल 6 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीता है, जो बिहार के लिए गर्व की बात है। के पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों को दिए अहम मंत्र। BPSC के द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा 5 अहम मंत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो मेरिट तो साबित कर दी, लेकिन अब सिंसेरिटी साबित कीजिए। आप लोग इतनी अच्छी पढ़ाई करवाएं कि शहर के निजी स्कूल में भी ऐसी पढ़ाई न होती हो। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि आप लोगों को गाँव में ही पढ़ाना होगा, नहीं तो फिर यह नौकरी आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग छात्रों के लिए मेहनत कीजिए, आप लोग बच्चों को ऐसे पढ़ाइए कि बच्चे निजी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने के बजाय सरकारी स्कूल में पढ़ने। अगर सरकारी स्कूल की पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगी तो छात्र खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ने की जिद करेंगे। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे गुरुद्वारा हांडी साहब के बारे में। गुरुद्वारा हांडी साहब, जो एक समय हांडी वाली संगत कहलाता था, का इतिहास उस समय के साथ जुड़ा है जब 6 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह पंजाब के मार्ग पर अग्रसर थे। जैसा कि कहानी है, यहां बालक गोविंद राय और माता गुजरी ने पटना से बाहर अपना पहला डेरा लगाया था और माई प्रधानी गुरु तेग बहादुर जी की पुरानी भक्तिन ने उन्हें खिचड़ी, उबले हुए चावल और मसूर की दाल की एक हांडी परोसी थी। आज उसी स्थान पर हांडी साहब नामक एक सुंदर गुरुद्वारा मौजूद है और आसपास के क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखता है। यहां हर रोज अभी भी खिचड़ी परोसी जाती है। इसका 3 तरफ प्रांगण सहित एक छोटा दरबार है और 4 दीवारी युक्त परिसर है। इस गुरुद्वारे की एक अनूठी परंपरा गोधूली पश्चात खेलकर वापस आने पर पूजा करने की गोविंद राय की स्मृति में संध्या में देर से प्रार्थना करना है। यहां तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी पटना के प्रबंधन के अंतर्गत एक सालाना जलसा भी आयोजित किया जाता है। नए शिक्षकों को 2 से 3 दिनों में आवंटित होगा स्कूल। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है। ऐसे में इसको लेकर विभाग की ओर से मिली जानकारी और मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 2 से 3 दिनों में शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षकों को स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से CCTV के सामने किया जा रहा है। बता दें कि स्कूल आवंटन के बाद सभी शिक्षक अपने जिले में जाकर नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे और फिर इसके बाद वे अपने स्कूल में योगदान करेंगे। वहीं सबके अलावा शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों
लोक योगदान के साथ साथ उनके वेतन भुगतान की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया गया है। एनएसए हटते ही मनीष कश्यप की मां का बयान आया सामने। मनीष कश्यप पर लगा एनएसए हट चुका है, ऐसे में अब मनीष के परिवारों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि वो जल्द ही घर वापस आ सकते हैं। वहीं अब इस पर मनीष कश्यप की मां मधु देवी के द्वारा कहा गया कि बेटे पर जो काला एनएसए लगा था वह हट गया है, जिसे काफी खुशी है, लेकिन बस कमी यही लग रही है कि त्योहार में मेरा बेटा दल का टुकड़ा मेरे पास नहीं है, उसकी कमी खलेगी, लेकिन क्या करूं, कोर्ट बंद है, 21 नवम्बर के बाद ही कोर्ट खुल पाएगा, बहुत जल्द ही मेरा बेटा बाहर आएगा। मनीष के भाई करण कश्यप ने कहा कि मेरा भाई बिल्कुल निर्दोष है, जो उसने काम नहीं किया था उसकी सजा वो पिछले 8 महीने से काट रहा था। भगवान न करे किसी के भाई पर एनएसए लगे, मेरे भाई ने शुरू से बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब मेरा भाई माइक उठाएगा और लोगों का दुख दर्द भगाने का प्रयास करेगा। राज्य में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिन प्रतिदिन तापमान में गिरावट देखी जा रही। मौसम के जानकारों की माने तो इन दिनों पछुआ हवा के कारण तापमान में इतना बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के बाद तापमान में और भी कमी और धुंध में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि विभाग का कहना है कि 13 नवंबर से पछुआ के प्रबल होने से ठंड में बढ़ोतरी होगी। पटना मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, साथ ही हल्के स्तर का कोहरा भी देखने को मिलेगा। बिहार प्रदेश के उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। साथ ही यह भी बताया गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के अधिकांश जिलों में धुंध छाए रहने की संभावना है, साथ ही हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। ट्रक के तहखाने से 40 लाख की शराब जब्त। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से चितोर कोशिश की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही। उल्टा शराब तस्कर आए दिन तस्करी के लिए नए नए तरीकों का निजात करते हुए पाए जाते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक के अंदर बने तहखाने से 228 कार्टन में 6000 से अधिक शराब की बोतलें बरामद की गई है और साथ ही एक तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि शराब की कीमत 40 लाख रुपए के आसपास की बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। बता दें इस बात की जानकारी उत्पाद सहायक अधीक्षक दीनू बंधु कुमार के द्वारा दी गई है। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को मिलेगा टैब। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों को बिहार सरकार की ओर से दिवाली गिफ्ट के तहत टैब दिए जाने वाले हैं। बता दें इस बात की जानकारी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से दी गई है। उन्होंने कहा कि वैसे शिक्षक जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं वह जल्द से जल्द सीख ले। बता दें कि टैब शिक्षकों को पोस्टिंग के 1-2 महीने के अंदर दे दिए जाएंगे। के पाठक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार शिक्षकों को यह टैब इसलिए दिया जाएगा ताकि वे स्कूल में बच्चों को ग्राफिक्स और विजुअल के माध्यम से अधिक जानकारी दे सके। उन्होंने कहा कि जिस तरह के ग्राफिक्स ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों ने बनाया है, ठीक उसी तरह के बच्चों को भी बताना है। छठ से शुरू होगा दानापुर दियारा के बीच पीपा पुल। दानापुर दियारा के बीच बन रहा पीपा पुल लगभग बनकर तैयार हो गया है, ऐसे में अब जल्द ही इसे लोगों के लिए चालू कर दिया जाएगा। बता दें कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि छठ से पहले इसे चालू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि पीपा पुल दियारा के 7 पंचायतों के लगभग 5 लाख से ज्यादा की आबादी को दानापुर शहर की मुख्य धारा से जोड़ता है। इसे हर साल गंगा का जलस्तर बढ़ जाने के बाद जून जुलाई के महीने में खोल दिया जाता है। इस दौरान दियारा वासियों को शहर की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता। कि जब पीपा पुल पूरी तरह से लोगों के लिए चालू हो जाएगा तो इससे दियारा के लोगों की आबादी को आवागमन को सुविधा हो जाएगी। इस पुल का काम करवा रहे कॉन्ट्रैक्टर हरेंद्र राय के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि उम्मीद है कि छठ पूजा से पहले दियारा वासियों के लिए इस पुल को चालू कर दिया जाएगा। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी के एक्शन पर बोले सम्राट। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में ईडी के द्वारा बीते शुक्रवार को राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी कार्यबारी अमित कात्याल को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया है। ऐसे में अब इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा पलटवार करते हुए कहा गया कि भ्रष्टाचार के मामले में जो लोग भी अपराधी होंगे उनकी गिरफ्तारी तय है। अगर अपराध किया है तो गिरफ्तारी होगी, चाहे वह कोई भी रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईडी के द्वारा उस अमित कात्याल को हिरासत में गया है जिसने राबड़ी सरकार के समय पटना में बियर की फैक्ट्री लगाई थी, बाद में उसे अपनी कंपनी एके इन्फो सिस्टम को तेजस्वी और राबड़ी देवी के नाम कर दिया था।
मंत्री श्रवण कुमार ने बताई मांझी के अपमान की वजह। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के अपमान की वजह बताते हुए कहा कि अगर जीतनराम मांझी सही दिशा में जाते तो उनकी ऐसी हालत नहीं होती। उन्होंने कहा कि जिसको राज का ताज पहनाया गया, जिसको नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी सौंप दी, लेकिन जब वे उस गरिमा को नहीं बचा पाए तो अब वे क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता उनको नोटिस नहीं लेती है, ऐसे लोगों को कोई भी नोटिस नहीं लेता, जिस वजह से बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसका जोड़ा देश में कहीं भी नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि जब जाति आधारित गणना का रिपोर्ट पेश किया गया और इस पर बहस हुई तो बीजेपी के नेता इसको हल्के में ले रहे थे, ये लोग जानबूझकर सदन को नहीं चलने देते, इस बार भी 3-4 दिनों तक लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित करते रहे। जाति के नाम पर कंगाल करने वाले नेताओं को लेकर प्रशांत किशोर का बयान। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनसंवाद के कार्यक्रम में कहा कि जनसुराज व्यवस्था बनाने का जो प्रयास शुरू किया गया है, जब ये व्यवस्था बनेगी तब नाली गली बने या न बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन एक साल के अंदर जितने आपके घर के लोग बाहर राज्यों में मजदूरी करने गए हैं और आपके जो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं उन सभी के लिए 12 से 15 हजार का रोजगार का व्यवस्था इसी बिहार में करके देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये कैसे देंगे मैं आपको बताता हूँ कि आप जरा बताइए क्या आज हरियाणा पंजाब से कोई नौकरी करने बिहार आ रहा है? क्यों नहीं आ रहे? उस प्रदेश में भी तो गरीबी है, वहां पर भी लोग मजदूर है, वहां पर भी नेता चोरी कर रहा है, लेकिन इतना व्यवस्था उन राज्यों में हो गई है कि किसी भी आदमी को 12 से 15 हजार के रोजगार के लिए उन राज्यों में लोगों को सोचना नहीं पड़ रहा। अगर ये व्यवस्था पंजाब हरियाणा में हो सकता है तो बिहार में भी तो हो सकता है। अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देना है। लीग चरण के आखिरी मैच में दीपावली के जश्न में सराबोर होने उतरेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम वनडे विश्व कप में लगातार 8 मैचों में 8 जीत के साथ विजयरथ पर सवार है। इस विश्व कप में टीम इंडिया का सामना कोई भी टीम नहीं कर पा रही। अब भारतीय टीम को अपना आखिरी मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ बैंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेलना है। यह मैच भारतीय टीम के लिए कई मायनों में खास होने वाला है। भारतीय टीम पहली बार विश्व कप में लगातार 9 मैचों में जीत दर्ज करेगी। वही रन मशीन विराट कोहली अपने शतकों का अर्धशतक लगाने उतरेंगे। बता दें कि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं नीदरलैंड्स टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन अगर नीदरलैंड टीम भारत को हराने में कामयाब रहती है तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई करने का मौका रहेगा। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टॉप 8 टीमें क्वालिफाई करेंगे। इस टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान में होना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। लंदन में 1930 में पहली बार गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत, इसमें 56 भारतीय और 23 ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ। केरल के मंदिर 1936 में सभी हिंदुओं के लिए खुले। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 1967 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2008 में महाराष्ट्र के अदलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को 2009 में वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्राकृतिवादी सालिम अली का जन्म 1896 में हुआ। प्रसिद्ध अभिनेता अमजद खान का जन्म 1940 में हुआ। महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और एक बड़े समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय का निधन 1861 में हुआ। आज के दिन को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वायरल के मैच हम बात करेंगे पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने रक्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर 104 ब्लड ऑन कॉल लॉन्च किया है। पीआईबी ने भी ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा भ्रामक है, भारत सरकार ने ऐसी कोई सेवा नहीं शुरू की है। कुछ राज्यों में इस नंबर का प्रयोग विभिन्न हेल्पलाइन सेवा के लिए किया जाता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम से सीधे मंगा पाएंगे अमेजन का सामान। मीटा ने अमेजन के साथ इन ऐप शॉपिंग फीचर पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत यूजर सीधे फेसबुक और इंस्टाग्राम के अमेजन का सामान मंगा पाएंगे। इसके लिए यूजर्स को पहले अपने इंस्टा या फेसबुक अकाउंट को अमेजन के साथ लिंक करना होगा। अकाउंट को लिंक करने से पहले आपको सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले इस फीचर को यूएस में जारी किया जाएगा, जहां यूजर्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड्स के अंदर प्राइस, प्राइम एलिजिबिलिटी, डिलीवरी टाइम और प्रोडक्ट की डिटेल्स मिलेगी। यूजर्स सीधे इन ऐप से सामान मंगा और उसे ट्रैक कर पाएंगे। अमेजन ने कहा कि नए इन ऐप शॉपिंग सुविधा के तहत फेसबुक या इंस्टाग्राम पर केवल कुछ चुनिंदा एड्स दिखाई देंगे जिन्हें अमेजन और स्वतंत्र विक्रेताओं द्वारा बेचा जाएगा। फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं है कि फीचर क्या भारत में भी लॉन्च होगा या नहीं। हो सकता है कंपनी आने वाले समय में इसे भारत में भी लॉन्च करे। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश,
ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। अगला सवाल, बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन ए संथाली, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी भोजपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उर्दू। अगला सवाल, बिहार का साक्षरता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 27वां, ऑप्शन बी 33वां, ऑप्शन सी 29वां, ऑप्शन डी 35वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 35वां। अगला सवाल, 12वीं सदी के प्रारंभ में किसके द्वारा बिहार में एक मजबूत वंश की नींव रखी गई थी? ऑप्शन ए बदार खां लोहानी, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी मदन पाल, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मदन पाल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विवेक मिश्रा, उमेश सिद्धदेव, सिद्धुल्ला पलवी, मोहम्मद फहीम, खुशी शर्मा, प्रमोद कुमार पासवान, राजीव कुमार, कुमार कौशल सिंह, बाबूलाल मरांडी, अनिता कुमारी, अनवर करीम खान, रविशंकर, मंजू देवी, विनिता कुमारी, नीतू यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, दिवाली के शुभ अवसर पर आप अपनी ओर से क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।